गाउन। आज हम यह बड़े साइज का गाउन बनाने वाले हैं। लगने वाला कपड़ा बड़ों के लिए 3 से 3.5 मीटर लगता है, योग के लिए 1/2 मीटर। लगने वाले नाप पूरी लंबाई, छाती घेरा, कमर घेरा, शोल्डर, आस्तीन की लंबाई और दंड घेरा। यहाँ पर कपड़े की सिंगल कड़ी ली है। पहले हम बैग के नाप आंकने वाले हैं। यहाँ पर पूरी लंबाई अधिक 1.5 इंच ले। बगल की लंबाई बड़ों के लिए 7.5 से 8 इंच ले। यहाँ पर छाती रेखा आंखें। यहाँ पर छाती घेरे का चौथा हिस्सा अधिक 1.5 इंच ले। बॉटम पर कपड़े का पूरा पन्ना ले। साइड्स जोड़े। यहाँ पर शोल्डर का आधा हिस्सा अधिक 1/2 इंच ले। सीधी रेखा नीचे जोड़े। अब हम बैग के बगल का आकार देने वाले हैं। यहाँ पर शोल्डर और छाती के बीच का अंतर नापे। उसका आधा हिस्सा यहाँ पर तिरछा ले। दिखाए अनुसार बैग के बगल का आकार दे। यहाँ पर 1 इंच तिरछा ले। फ्रंट बगल का आकार दे। गले की चौड़ाई बड़ों के लिए 2.5 से 3.5 इंच तक ले। शोल्डर 1/2 इंच नीचे ले। फ्रंट का गला 6 से 8 इंच तक ले। दिखाए अनुसार गले पर गोल आकार दे। यहाँ पर आप कोई भी आकार दे सकते हो। बैक का गला 3 इंच ले। दिखाए अनुसार गले का आकार दे। दिखाए अनुसार बैक कट करें। बॉटम पर हमने 2 इंच ऊपर लिया है। बॉटम आकार भी कट कर ले। फ्रंट पर हम काले कपड़े का योग लगाने वाले हैं। इसीलिए हमने काले कपड़े की घड़ी ली है। कपड़े पर दिखाए अनुसार बैक रखें। शोल्डर लाइन और बगल का आकार ड्रॉ करें। यहाँ पर योग 8 इंच रेडी आएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने योग की लंबाई 9 इंच ली है। दिखाए अनुसार योग का आकार बगल तक ही दे। इस तरह योग का आकार कट करें। अब हम ग्राउन का फ्रंट हिस्सा कट करने वाले हैं। उसके लिए कपड़े की सिंगल घड़ी ले। फ्रंट पर प्लीट्स के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। फ्रंट का घेरा बैक के बॉटम जितना ही रखें। बैक अनुसार सभी नाप आंखें। उस मार्किंग पर फ्रंट का योग रखें। योग के आगे प्लीट्स के लिए कपड़ा रखा है। योग का आकार दे।
ऊपर मार्जिन रखें। इस तरह फ्रंट कट करें। बैक अनुसार ही साइड आकार भी कट करें। इस तरह हम काला योक ऊपर लगाने वाले हैं। दिखाए अनुसार ऊपर प्लीट्स आएंगी। इस बचे हुए कपड़े पर हम आस्तीन कट करने वाले हैं। यहाँ पर आस्तीन की लंबाई अधिक 1 इंच ले। बगल की लंबाई सभी के लिए 3.5 इंच ले। यहाँ पर रेखा जोड़े। यहाँ पर दंड घेरे का आधा हिस्सा अधिक 1 इंच ले। ऊपर बगल घेरा 1 से 1.5 इंच ज्यादा ले। दिखाए अनुसार आस्तीन का आकार दे। कपड़े पर आस्तीन कट कर ले। अंदर के बगल का आकार कट करें। दिखाए अनुसार योक रखें। फ्रंट पर दिखाए अनुसार प्लीट्स ले। प्लीट्स लेकर योक जोड़े। हमारा फ्रंट दिखेगा। फ्रंट गला कट करें। फ्रंट बगल का आकार दे। और कट करें। रिबन के लिए 1.25 इंच की पट्टी कट करें। योक पर दिखाए अनुसार रिबन मोड़कर जोड़े।
तरह रिबन जोड़ें। इस तरह योग दिखेगा। सवा इंच की पट्टी मोड़कर सिलाई करें। यह तैयार पट्टी गले पर अंदर से बाहर की तरफ लगाएं। इस तरह फ्रंट गला तैयार हो गया है। हमेशा की तरह शोल्डर जोड़ें। आस्तीन भी नीचे रखकर जोड़ें। साइड पर आधा इंच मार्जिन रखकर दोनों साइड्स जोड़ें। बॉटम पर पट्टी मोड़ें। इस तरह हमारा योग गाउन तैयार हो गया है। लिबर्टी दिलीप करमपुरी सर की गाउन की किताब से आप यह गाउन और साथ ही अन्य प्रकार के कई गाउन मन चाहे नाप से बना सकते हो। इस किताब में सभी गाउन्स की पूरी जानकारी दी गई है। यह किताब आप Amazon, Flipkart, ShopClues या Snapdeal से खरीद सकते हो।